इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, कतर में 8 भारतीय जिन्हें फांसी की सजा मिली थी उस मामले में विदेश मंत्रालय ने एक अहम जानकारी दी है और बताया है कि इन भारतीयों से 3 दिसंबर को भारतीय राजदूत ने मुलाकात की थी। यह भी जानकारी दी गई है कि इस केस में 23 से 30 नवंबर को सुनवाई जो है, 2 सुनवाई इसमें हो चुकी है। You would have seen Prime Minister met the Emir of Qatar in Dubai on the sidelines of COP28. I think he put out a tweet. My understanding is that there's good conversation on the overall bilateral relationship as well as on the well-being of the Indian community, as he said. Look, it's the Prime Minister's conversation with him. I have nothing further to add. You want an update on the case as such? There have been 2 hearings. As you know, we filed an appeal, as is from the families, and the detainees had filed an appeal. 2 hearings have since been held. One, I think, on the November 30th. The other was on November 23rd. I think the next hearing is coming up soon. We are closely following the matter and extending all legal and consular assistance. Meanwhile, our ambassador got consular access to meet all 8 of, in prison on 3rd of December. And as I said, this is a sensitive issue, but we will continue to follow, and whatever we can share, we will do so. मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उमा, ये एक महत्वपूर्ण मामला है। 8 ये जो लोग हैं, सारे पूर्व नौसेना अधिकारी हैं, इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और भारत में भी इसको लेकर सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। अहम जानकारी आज दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा। जी बिल्कुल, देखिए अभी COP28 के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कतर के दौरे पर थे। कतर के आमिर के साथ उनकी जो है साइडलाइन में बात हुई है, लेकिन क्या बात 8 भारतीयों को लेकर हुई है ये साफ नहीं किया गया है। जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम आगे कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन भारत सरकार की जो लगातार कोशिश है वो जारी है और कोशिश इस बात को लेकर है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत पहले इन 8 लोगों को सजा में जो उनको सजा से निकाला जाए बाहर। और इसलिए जो अपील दायर की गई है उसमें 23 नवंबर और 30 नवंबर को 2 सुनवाई हुई है, इसके बाद की भी सुनवाई होनी बाकी है। अभी अभी मैंने पूछा था विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से, ये भी पूछा कि क्या दोनों प्रक्रिया अलग अलग चलेगी, कि पहले न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार किया जाए कि उसका क्या नतीजा निकल कर सामने आता है और क्या फिर जरूरत पड़ेगी तब वहाँ की जो राजनीतिक नेतृत्व है उसके सामने ये मामला उठाया जाएगा। तो उसके जवाब में ये कहा गया है कि दोनों ही प्रक्रिया जो है वो चल रही है, न्यायिक प्रक्रिया पे अभी हमारा जोर है और हमारी कोशिश इस बात को लेकर है कि इसके तहत ही 8 भारतीयों को मौत की सजा से जो मुक्ति है वो मिल जाए और उनको उनकी सजा माफ कर दी जाए और वो अपने घर को वापस लौट के आए। लेकिन साथ ही साथ जो कतर अथॉरिटीज है उनको भी हमने इंगेज किया हुआ है, यानी कि भारत सरकार की तरफ से हर तरह की कोशिश की जा रही है ताकि इन 8 भारतीयों को जल्द राहत मिले। अंकित, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे उमा कि गुरपरवंत सिंह पन्नू जो एक खालिस्तानी समर्थक हैं, उनके उनको लेकर कई सारी बातें भारत और अमेरिका के बीच में भी हुई है, उस पर भी क्या कुछ जानकारी आ जाएगी? जी देखिए, अमेरिका की तरफ से जिस तरह की सूचना शेयर की गई है भारत ने उस पर अपना जवाब दिया हुआ है और लगातार जो कुछ भी कंसल्टेशन है वो दोनों देशों के बीच चल रहा है। भारत ने उस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी जो है वो बनाई हुई है और जो पन्नू वहां से बार बार अलग अलग तरह की धमकी दे रहा है उस बारे में अभी यहाँ पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह की धमकी वहां से आ रही है उस मद्देनजर जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनको फ्लैग कर दिया गया है, उनको इस बात की जानकारी दी गई है। और जाहिर सी बात है क्योंकि पन्नू जो है वो भारत की नजर में एक आतंकवादी है, वो चाहेगा कि उसे भारत को भेजा जाए, लेकिन जो एक मामला अमेरिका में निकलकर सामने आया है उसको लेकर जो भारत है वो अमेरिका के साथ लगातार कंसल्टेशन में है और जिस तरीके से भी इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके वो बढ़ाया जा रहा है। और फिलहाल इससे अधिक जानकारी इस मामले में नहीं दी गई है, लेकिन इतना जरूर है कि जो अमेरिका है उसकी तरफ से जो सूचना साझा की गई भारत ने उसको गंभीरता से लिया और इस बाबत बयान भी दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उमा। ये जानकारी उमा इस वक्त हमें दे रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। कतर में जो 8 भारतीय हैं जिनको फांसी की सजा दी गई थी उसको लेकर किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर बातचीत की है कतर के अमीर से, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि कुछ कहीं ना कहीं इस पर आगे बातचीत और बढ़ेगी।